हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय जोशी फ्रॉम श्री जैन पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू इन अनदर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास फोर्थ ऑफ इंग्लिश। तो आज हम बच्चों क्लास फोर्थ इंग्लिश का जो है से इट राइट आई जो है पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसके बाद जो इसके पहले जो है हमने चैप्टर पढ़ी थी, एक पोयम पढ़ी थी बेबी सीट सॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक है हमारा से इट राइट आई, पेज नंबर 40 पर है, ठीक है। इसमें आपको एक कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, किस तरह की एक्सरसाइज है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इन सभी के जो वर्ड्स के जो साउंड है वो आपको पहचानना है, ठीक है, और उसी तरीके फिर आपको आगे अगले वर्ड्स लिखना है। जैसे कि पहला है कैप्टन, लैक, मैच, सैपलिंग, प्रैंक, कैश, सब में देखिए आप साउंड क्या आ रहा है ए, और हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है यहाँ पे, डार्क वर्ड कौन सा दे रखा है ए, ठीक है। सब में ए जो है वर्ड आ रहा है, और जिनकी जो साउंड हो रहा है वो भी कैप्टन, लैक, मैच, सैपलिंग, प्रैंक, कैश, बोलने में सब में ए आ रहा है बोलने में, ठीक है। तो आपको ऐसे आगे वर्ड्स जो है लिखना है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे देखिए, टैंक हैक है, कैच है, सेव है। इसके अलावा भी जो है आप भी जो है अपने मन से जो है वर्ड्स आगे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्साइटिंग, स्प्रेड, एज, थ्रेड, रेडी, फेदर, इन सब में भी बोलने में तो ए आ रहा है, साउंड क्या हो रहा है ए हो रहा है, बट स्पेलिंग जो है वर्ड जो है या वर्ड हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे ई, ठीक है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे, एवरी, एंटर, रेड, टेन, ठीक है, बोलने में ए आ रहा है बट स्पेलिंग जो है वर्ड जो हो रहा है हमारा हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है यहाँ पे ई है। आगे देखिए, इंसेक्ट, ड्रिंक, सिंबल, ट्विंकल, पिकनिक और फील, इन सभी में जो है साउंड क्या आ रहा है ई का आ रहा है, इंसेक्ट, ड्रिंक, सिंबल, ट्विंकल, ठीक है, बट यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है आई और वाई, आ रहा है समझ में सभी को। तो जो मैं अगला वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जो चार वर्ड्स और, जैसे मैंने लिखे हैं वीन, फिक्स, थीन और फैमिली, ठीक है। तो आप भी जो है और भी वर्ड्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑफर, फ्रॉक, शॉर्ट, अपोजिट, लॉस्ट, फ्रॉस्ट, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा हाईलाइटेड वर्ड है ओ, और यहाँ पे साउंड भी जो है ओ जो है साउंड हो रहा है इस वर्ड में बोलने में। तो हमने आगे जो वर्ड लिखे हैं वो कौन से हैं, कॉस्ट, हॉस्ट, कंपोजिट, गॉड। आगे देखिए, अंकल, बल्ब, ट्रक, रंबल, हंटर, बजट, सब जब हम बोल रहे हैं सभी वर्ड्स को तो साउंड अ का आ रहा है, अंकल, बल्ब, ट्रक, रंबल, हंटर और बजट, बट स्पेलिंग जो वर्ड यूज हो रही है यहाँ पे कौन सी हो रही है यू की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगले वर्ड्स ले लिए हैं, बस, कप, श्रब, फन, ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए, केक, गेम, डिक्टेट, ग्रेट, स्ट्रे, संडे, यहाँ पे वर्ड कौन सा हाईलाइटेड है ए है, और बोलने में भी यहाँ पे साउंड कौन सा आ रहा है केक, गेम, डिक्टेट, ग्रेट, ए जो है साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें अगले वर्ड लिखे हैं मंडे, सैंड, क्ले, प्ले। अगला देखिए, हाईलाइटेड वर्ड से यहाँ पे ई और डबल ई, और जब हम इसको साउंड बोलेंगे जब हम, तो देखिए क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ग्रीट, नीट, स्कीम, वॉली, ट्रीट, चीफ, सब में आप देखिए ई का जो है साउंड आ रहा है, और वर्ड जो यूज हो रहा है यहाँ पे या तो डबल ई यूज हो रहा है या फिर ई यूज हो रहा है। तो हमने जो वर्ड्स लिए हैं आगे, ब्रीफ, थीफ, फील्ड, बीप। आगे देखिए, साय, प्राय, चाइल्ड, नाइट, मल्टीप्लाई, डिवाइन, सब में आई जो है साउंड आ रहा है, और वर्ड भी जो है आई और वाई यूज हो रहा है। तो हमने जो वर्ड्स लिए हैं वो है क्राय, काइट, काइंड, राइट। अगला है ओएथ, स्ट्रोक, कोच, डव, ग्रोथ या टोस्ट, यहाँ पे जो है साउंड जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है ओएथ, स्ट्रोक, कोच, डव, ग्रोथ, मतलब ओ का जो है यहाँ पे साउंड यूज हो रहा है, और वर्ड भी जो हाईलाइटेड है वो कौन सा है ओ है। यहाँ पे अगले वर्ड कौन सा लेंगे हम, चार वर्ड हमने लिए हैं, होप, फ्रॉग, थ्रॉट, फ्रॉस्ट। अगला देखिए, ट्यूजडे, स्टेचू, ओवरड्यू, कंफ्यूजन, वेन्यू और वर्च्यू, यहाँ पे सब में जो है साउंड हो रहा है यू का हो रहा है, ट्यूजडे, स्टेचू, ओवरड्यू, कंफ्यू, वेन्यू, वर्च्यू, ठीक है, इन सब में जो है यू का जो है साउंड आ रहा है, और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है वो भी यू है। तो हम ऐसे कौन सा वर्ड ले सकते हैं, वैल्यू, ब्लू, ग्लू, क्यून, सबको बोलने में देखिए यू का यू साउंड आ रहा है बीच में। आगे देखिए, गूज, ट्रूथ, स्कूल, जूस, मूवी, शैम्पू, यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है डबल ओ या फिर यू, मतलब ऊ का जो है यहाँ पे साउंड आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्ड लिए हैं नून, बुक, वुड, कूल। चलिए आगे बढ़िए, पेज नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे भी इनको आपको यही करना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि कौन से वर्ड्स में क्या साउंड अगर आपको बोलने में आ रहा है। तो देखिए अगला क्या है, डॉज, गैजेट, बजट, जज,
इन सब में ज जो है, ज साउंड आ रहा है सबको बोलने में, डॉज, गैजेट, बजट या फिर जज। तो हाईलाइटेड वर्ड कौन से यहाँ पे, डीजीई। तो आपको इस तरह का वर्ड ढूंढना है, एज, स्लेज, प्लेज, ब्राइज, ब्रिज, लॉज और बेज। अच्छा एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर कोई वर्ड आपको नहीं निकला है, ऐसा नहीं कि आप मन से कुछ भी वर्ड्स लिख दें, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का कोई कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगफुल आप वर्ड्स आपको लिखना है। साउंड तो सेम होना ही चाहिए पर उनके वर्ड के मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन सबके वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप मन से लिख दें। चलिए आगे देखते हैं, एनसीई मतलब नेम्स जो है यहाँ पे साउंड होगा, क्लियरेंस, फेंस, कैंसिलेशन, पेशेंस। तो यहाँ पे आगे वर्ड कौन से आएंगे, डांस, डिस्टेंस, इंस्टेंस, कॉन्फिडेंस, बैलेंस, डिफेंस। इसी तरह अगला देखिए, रिस्पेक्ट, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर, एक्सपेक्ट। यहाँ पे जो साउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट, सीटी का जो है साउंड आ रहा है, और वर्ड भी हाईलाइटेड कौन सा है यहाँ पे, सीटी जो है वर्ड हाईलाइटेड है। तो इस पर मैंने लिखा है कलेक्ट, करेक्ट, इंस्पेक्ट, प्रोजेक्ट या फिर इंसेक्ट भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हाईलाइटेड वर्ड है आपका वो एफटी है। इसमें क्राफ्ट है, फिफ्टी है, ऑफन है, शिफ्टिंग है। तो वर्ड कौन से यूज होंगे, गिफ्ट, लेफ्ट, थेफ्ट, एयरलिफ्ट, लॉफ्ट या सॉफ्ट। इस तरह के आगे हमारे वर्ड्स जो हैं, एलपी जो है हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, एलपी का जो है यहाँ पे साउंड होगा, अल्प, कल्प, स्कैल्प, हेल्प, ठीक है ना। तो एलपी जो है यहाँ पे साउंड हो रहा है, और वर्ड कौन से यूज हो रहा है हाईलाइटेड, एलपी। तो पल्प हो गया, गल्प, हेल्प, येल्प, कैल्प, हेल्प, ठीक है। इसी तरह एमपी का देखिए, लैंप है, एम्पावर है, कंपनी है, इम्पर्सनल है। नेक्स्ट देखिए, राउंड, डायमंड, कैंडल, रैंडम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो कौन सा है, एनडी वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको लेना है ग्राउंड है, हैंड है, फंड है, बैंड है। इसी तरह अगला देखिए, फ्लॉन्ट, कंट्रोल, रैंड, अनप्लीजेंट। इसमें क्या यूज हो रहा है हाईलाइटेड वर्ड, एनडी यूज हो रहा है, ठीक है, एनटी। अगला देखिए, पीटी, ऑप्टिकल, स्लैप्ड, रेप्टाइल, इजिप्ट, कैप्ट। तो हमने जो वर्ड लिए हैं वो क्रिप्ट लिए हैं, रिसिप्ट लिए हैं, एक्सेप्ट लिए हैं। लास्ट देखिए, लास्ट सेकंड में देखिए, एसके, एसके वर्ड जो हाईलाइटेड हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लास्क, बास्केट, मास्क, रिस्क, रिस्की, ठीक है। तो हमने जो वर्ड लिया वो है, हस्क है, डस्क ले लिया हमने, स्कीप ले लिया, ठीक है, और स्केच ले लिया, स्काई ले लिया। आगे देखिए, एसपी जो है यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है, एस्पायर, लिस्प, ट्रांसपोर्ट, एटमोस्फेयर। तो एसपी हाईलाइटेड वर्ड वाले आपको यूज यहाँ पे वर्ड्स लेना है, जैसे मैंने लिया है स्पोर्ट्स, क्रिस्प, रेस्प, ठीक है। आगे देखिए, जीएसटी, ब्राइट, आई साइट, टाइट, फाइट, फाइटर। यहाँ पे कौन सा वर्ड लेना है हमें, जीएच वाले वर्ड्स लेना है। तो राइट हो गया यहाँ पे, लाइट ले लिया मैंने, सनलाइट, एयर टाइट। लास्ट सेकंड देखिए, सिल्क वॉर्म, वॉकिंग, चौक, मिल्क। यहाँ पे एल के जो है वर्ड यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कौन से ले लिए हैं, टाक, फॉक, एल्क, हल्क या फिर बल्क। और लास्ट देखिए, एसटी वाला वर्ड यूज होगा यहाँ पे। तो डेंटिस्ट, जिसमें एसटी वर्ड हुए, ऐसे आपको वर्ड जो है यहाँ पे लिखना थे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं स्टार, बेस्ट, फास्ट, लिस्ट, दस्ट, स्टॉप, ठीक है। तो ये जो है कुछ साउंडिंग वर्ड्स वाले हमने आज पढ़े। ये इस वर्ड, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही वर्ड्स लिखें, आप भी आपके मन से जो है अपनी रफ कॉपी में जो है उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।